बीसीएन न्यूज चैनल एवं नागपुर मेट्रो समाचार हिंदी दैनिक द्वारा प्रतिष्ठित शो विदर्भ रत्न अवार्ड 2024 का आज आयोजन शहर के रिजेंटा होटल में किया गया था। यह अवार्ड उन व्यक्तियों की उत्कृष्ट उपलब्धियों का जश्न मनाना है जिन्होंने अपनी गाँव वही शहरी नहीं तो समुचे विदर्भ में एक अमिट छाप छोड़ी है। आपको बता दें कि बीसीएन न्यूज उन असाधारण व्यक्तियों को सम्मानित करने में बहुत गर्व महसूस करते हैं जिन्होंने अपनी अथक समर्पण और अटूट प्रतिबद्धता के माध्यम से विदर्भ के परिदृश्य को आकार दिया है। बीसीएन न्यूज द्वारा आयोजित विदर्भ रत्न अवार्ड 2024 सिर्फ एक पुरस्कार समारोह ही नहीं है बल्कि यह विदर्भ की भावना और इसके लोकाचार को मूर्त रूप देने वाले उल्लेखनीय व्यक्तियों का सत्यापन है। इस अवार्ड शो के मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी तो वही सम्मानित अतिथि के रूप में लेडीज विंग की सिटी प्रेसिडेंट प्रगति पाटिल इसके साथ ही अन्य सम्मानीय अतिथि मुख्य रूप से उपस्थित थे। इस दौरान विविध क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले गणमान्य हस्तियों को नितिन गडकरी एवं प्रगति पाटिल के हाथों विदर्भ रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस समय विदर्भ रत्न से सम्मानित हस्तियों ने अपनी प्रतिक्रिया साझा की है। गोंड पिपरी से सुहास मधुरवार जो कि सामाजिक कार्य में अपनी रुचि रखते हैं उन्होंने अवार्ड मिलने की खुशी को जाहिर करते हुए सभी के आभार माने हैं। सुहास उद्योगराव माधुरवार गोंड पिपरी जिल्हा चंद्रपूर। सामाजिक कार्याची मला आवड आहे आणि त्या दृष्टिकोनातून मी मंदिरे वगैरे असेल तर त्यांना मी मदत करत असतो आणि माझ्या वाढदिवसाला मी अपंग आणि विद्यार्थ्यांना सुद्धा ड्रेस घेऊन देत असतो आणि देणगीच्या रूपामध्ये जे कोणी सामाजिक चांगले मंदिर किंवा नुकतंच आता बांधकाम जे चालू आहे त्याला मी 1,01,000 रुपयाची मदत पण केलेली आहे। बीसीएन न्यूजद्वारा मला जे आयोजित अवार्ड मिळालेला आहे त्याबद्दल मी खुश आनंदी आहे। थँक यू बीसीएन। तो वहीं चंद्रपुर के सैयद सलमान ने ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट द्वारा कई युवाओं को प्रशिक्षित कर उन्हें समाज की मुख्य धारा मिलाया है। उन्होंने भी अपनी खुशी को बयां करते हुए धन्यवाद अदा किए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम सैयद सलमान है, मैं चंद्रपुर से हूँ। आज मुझे बीसीएन ग्रुप द्वारा विदर्भ रत्न अवार्ड मिल गया है तो जिससे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। इसका रीज़न कि मैंने चंद्रपुर में एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोला है जहाँ पर मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को डिज़ाइन स्किल प्रोवाइड की है, उसी द्वारा मुझे बीसीएन ग्रुप द्वारा ये सम्मान मिला है, तो थैंक यू बीसीएन ग्रुप। काय आयुर्वेदिक हॉस्पिटल की डॉक्टर लता काय जो कि क्षेत्र में महिलाओं के लिए कार्य करती है और उन्हें बीसीएन न्यूज द्वारा आयोजित विदर्भ रत्न अवार्ड 2024 से नवाजा गया है, इसके लिए उन्होंने बीसीएन न्यूज की आभार माने। नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर लता काळे फ्रॉम काळे आयुर्वेदिक पाइल्स हॉस्पिटल। मैं एक फीमेल एनोरेक्टल सर्जन हूँ और मैं इस फील्ड में स्पेशली फीमेल की प्रॉब्लम्स देखते हुए ही मैंने इस फील्ड में एंटर किया है और इस चीज़ का फ़ायदा मैं देखती हूँ कि काफ़ी पेशेंट्स को होता है क्योंकि फीमेल पेशेंट्स होने के कारण काफ़ी हेजिटेशन होता है उनको। कई बार कोई फीमेल डॉक्टर नहीं होने के कारण पेशेंट्स बहुत सर्च में रहते हैं और इस चक्कर में उनका बहुत डिसीज़ बढ़ता है, तो जब भी वो मेरे पास आते हैं तो बहुत खुश होते हैं कि एक फीमेल स्पेशल उनको एक फीमेल एनोरेक्टल सर्जन मिल रही है, तो वो बहुत उनका हेजिटेशन कम हो जाता है और वो उनकी सारी प्रॉब्लम्स आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम मुझसे बात करके जो ठीक हो जाती, तो वो मुझसे इस बात का जिक्र भी करते कि मैम वी आर वेरी हैप्पी कि आप हमारे लिए एक फीमेल एनोरेक्टल सर्जन है, तो बहुत उनको अप्रिसिएशन भी होता है उस चीज़ का। एक्चुअली मैं इस फील्ड में 24 साल से 24 इयर्स से वर्क कर रही हूँ। मैं एक एनोरेक्टल सर्जन हूँ और स्पेशली फीमेल पेशेंट्स के लिए काम करती हूँ। यंग फीमेल्स आज जो हमारी लड़कियाँ हैं, गर्ल्स, यंग गर्ल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, टीचर्स हैं और बहुत सारी क्लास वन ऑफिसर्स लड़कियाँ जो बन रही हैं उनको हायर एजुकेशन के लिए बहुत बाहर जाना पड़ता है और वो बार बार ये डिसीज़ फेस करती है। ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं मेरे और वो बहुत खुश होते हैं एक फीमेल एनोरेक्टल को पाकर, तो आई एम रियली हाईली ऑब्लाइज्ड कि आई एम इन दिस फील्ड। और इस चीज़ को देखते हुए नितिन गडकरी जी ने आज हमको ये जो अप्रिसिएशन अवार्ड दिया है, आई एम रियली हैप्पी टू हैव इट और मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने हमको ये रिकॉग्निशन दिया है। थैंक्स फॉर ऑल, थैंक्स टू एवरीवन। तरुण एंगंटीवार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में अतुल्य कार्य किया है और उन्हें इस कार्य के प्रति सम्मानित करने पर धन्यवाद अदा किए। इसी के साथ ही चंद्रपुर के अमित मनुस्मारी ने खुशी को जताते हुए सभी की आभार माने। मैं तरुण एंगंटीवार
चंद्रपूर विधानसभा क्षेत्र तसेच बल्लारशाह विधानसभा क्षेत्र, उसमें BCN द्वारा मुझे विदर्भ रत्न अवार्ड मिला है चंद्रपुर यहाँ से। इसके लिए मैं BCN वालों को धन्यवाद देता हूँ। मेरा कार्यक्षेत्र ये है कि मैंने अभी तक 3,500 गरीब बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, फार्मासिस्ट और बहुत सारे बच्चों को अपन ने आर्थिक मदद की है। मेरा ये 10 साल का संघर्ष है और साथ में मैं अध्यक्ष बालाजी शिक्षण संस्था, प्राध्यापक गायकवाड़ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस नागपुर, डायरेक्टर अर्जुन करियर गाइडेंस, इसमें मैं बीते 10-12 साल से काम कर रहा हूँ और बहुत लोगों को हमने सेवा किया है और ये सेवाभावी जैसे अपन काम करते हैं और चंद्रपुर विधानसभा रहे वैसे ही बल्लारशाह विधानसभा रहे उसमें मैंने काम किया है। और मेरा जो जन्म है वो हुआ है एक इंटीरियर एरिया में, सिरोंचा गढ़चिरौली गाँव है वहाँ से मेरा हुआ है। और मेरा जो शिक्षण था वो एक आदिवासी बहुल इलाका तैसे वैसे एक नक्सल ग्रस्त एरिया में मेरा एजुकेशन हुआ था, फिर भी मैंने मेरा UG इंजीनियरिंग में किया हो, मेरा MTech हुआ है, मेरा अभी PhD चालू है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मेरा नाम अमित मानुसमर है, मेरा ऑप्टिकल शॉप है चंद्रपुर में, श्री तिरुपति बालाजी ऑप्टिकल। मुझे BCN द्वारा जो अवार्ड मिला है मैं उससे काफी ज्यादा खुश हूँ। नागपुर के सुप्रसिद्ध काली पाल्स हॉस्पिटल की ऑनर डॉक्टर वीरेंद्र काय अपने क्षेत्र में पिछले 25 सालों से सेवा दे रहे हैं, जिसमें जरूरतमंद लोगों के लिए शिविर का आयोजन कर सेवा देते हैं और उनके समाज के प्रति कार्य करने की भावना को देखते हुए BCN ने द्वारा विदर्भ रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया, जिसके बाद उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए अपनी खुशी का इजहार किया और BCN न्यूज के धन्यवाद किया। कोई भी अवार्ड मिलता तो बहुत खुशी होती है और हम लोग, मेरा नाम है डॉक्टर वीरेंद्र काड़े, मैं काड़े पाइस हॉस्पिटल का ओनर हूँ और पिछले 25 ईयर्स से हम लोग हॉस्पिटल रन कर रहे हैं। वी आर स्पेशलाइज इन एनोरेक्टल फील्ड, मतलब पाइल्स, फिशर, फिशुला या एनोरेक्टल प्रॉब्लम जो भी होते हैं उसके लिए हम लोग उसका ट्रीटमेंट करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ट्रीटमेंट करना इज़ डिफरेंट थिंग, बट हम लोग सोशली उस बात का अवेयरनेस करते हैं और सोशली हम लोग उसके बारे में कैंप्स भी लेते हैं। हमारे यहाँ हर थर्सडे के दिन हम लोग स्पेशली कैंप करते हैं और उसमें जो भी मतलब पुअर लोग होते हैं तो उन लोगों में हम लोग सर्जरीज प्लान करते हैं, उनके लिए मेडिसिन को 50% लेस कर देते हैं चार्जेस, सर्जरी चार्जेस भी 50% लेस होते हैं, इन्वेस्टिगेशन भी, स्टे में भी। तो इसलिए ये हमारा जो कैंप है ये पिछले 25 सालों से हमारा कैंप अविरत चल रहा है और मुझे बहुत खुशी होती है कि इस बात की सराहना ऐसे सोशल प्लेटफॉर्म पे की जाती है। आज नितिन गडकरी साहब ने हमको जो ये अवार्ड दिया है स्पेशली विदर्भ रत्न का, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और इस बात को रिकॉग्नाइज किया गया इसलिए मैं बेहद खुश हूँ। चंद्रपुर के सेंट माइकल इंग्लिश स्कूल के प्रिंसिपल विकास कोलेकर ने विदर्भ रत्न अवार्ड मिलने पर खुशी को जाहिर कर आगे भी शिक्षा के क्षेत्र में और अधिक सेवा देने की बात कही। माय नेम इज विकास कोलेकर, आई एम द प्रिंसिपल ऑफ सेंट माइकल्स इंग्लिश स्कूल चंद्रपुर and from around 25 years I am in the field of education. ये काफ़ी खुशी की बात है कि चंद्रपुर से as a principal मुझे इस award के लिए चुना गया है और जिस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में मैं जो कार्य कर रहा हूँ इस पुरस्कार के द्वारा निश्चित रूप से आने वाले दिनों में मैं और अच्छी सेवा देने की कोशिश करूँगा। चंद्रपुर के रेडियन कोचिंग क्लासेस के ओनर शाहबाज पठान ने BCN न्यूज द्वारा विदर्भ रत्न अवार्ड से सम्मानित करने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मैं BCN न्यूज चैनल का बहुत बहुत आभारी हूँ। मेरा नाम शहबाज पठान है, मैं रेडियन कोचिंग क्लासेस चंद्रपुर का ओनर हूँ। आज मुझे BCN द्वारा ये जो अवार्ड दिया गया विदर्भ रत्न का, इसका मैं BCN का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ, थैंक यू। नागपुर स्थित आराध्य ज्वेलर्स के ओनर आशीष अजय मनपिया द्वारा BCN न्यूज चैनल द्वारा आयोजित विदर्भ रत्न अवार्ड को शुभेच्छा देते हुए विदर्भ रत्न अवार्ड से सम्मानित करने पर धन्यवाद किए। मैं आशीष अजय मनपिया, आराध्य ज्वेलर्स हमारी शॉप है जो नागपुर में 3 जगह, एक सकरदरा चौक में है, एक नंदनवन में है और एक मिहान में है। BCN न्यूज जो विदर्भ रत्न अवार्ड जो इन्होंने आयोजित किया है तो बहुत खुशी हो रही है और विदर्भ के सभी जितने भी बिजनेसमैन लोग हैं उनके लिए ये अवार्ड आयोजित किया जाता है और हम लोग BCN न्यूज़ BCN के साथ में बहुत सालों से जुड़े हुए हैं तो बहुत खुशी हो रही है और उनका अभिनंदन करना चाहता हूँ कि इस
अवार्ड के लिए देखने के लिए प्रेक्षक बना के हमको बुलाया गया है, थैंक यू। तो वहीं चंद्रपुर के निखिल भंडारी द्वारा विदर्भ रत्न अवार्ड सम्मानित होने के बाद प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के हाथों विदर्भ रत्न अवार्ड से सम्मानित करने पर बीसीएन न्यूज के मैं धन्यवाद करता हूं। मेरा नाम निखिल भंडारी है, मैं चंद्रपुर में डीलर हूँ बजाज ऑटो लिमिटेड सीवी कमर्शियल व्हीकल्स डिवीजन का। विदर्भ रत्न अवार्ड से आज सम्मानित किया जा रहा है मुझे, और इसमें मेरे को सबसे ज़्यादा खुशी है कि बीसीएन न्यूज़ वालों ने नितिन गडकरी जी के हाथ से ये अवार्ड देने के लिए हमको बुलाया है, धन्यवाद। चंद्रपुर के डॉक्टर नियाज शपीर शेख, इन्होंने विदर्भ रत्न अवार्ड से सम्मानित होने के बाद अपनी प्रतिक्रिया देते हुए अपनी खुशी का इजहार किया और बीसीएन न्यूज के आभार माने। माय नेम इज डॉक्टर नियाज शब्बीर शेख, आई एम फ्रॉम चंद्रपुर। मुझे आज विदर्भ रत्न पुरस्कार मिला है, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। माय नेम इज रिजवाना नियाज शेख, और ये अवार्ड मिलने के लिए मुझे बहुत खुशी हुई है। बीसीएन न्यूज हमेशा ही खबरों की दुनिया में अपनी सटीकता को निभाते आ रहे हैं, उसी के साथ अपना सामाजिक दायित्व भी निभाते आ रहे हैं, और इसी के तहत बीसीएन न्यूज चैनल विभिन्न अवार्ड का आयोजन करता रहा है, और इसी के तहत आज विदर्भ रत्न अवार्ड 2024 का आयोजन कर विदर्भ की उन हस्तियों को विदर्भ रत्न अवार्ड 2024 से नवाजा जिन्होंने अपने साथ साथ समाज की भी प्रगति में अपना योगदान दिया है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।